नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे उस बुराई की कि जो आप करके अपने शरीर को ख़त्म करते हैं, और उस बुराई को रखने से अपने जो स्वभाव, अपने बिहेवियर होता है, उससे औरों का जीना भी मुश्किल करते हैं, अपना भी जीना मुश्किल, अपने पैसे का नुकसान, अपने स्वास्थ्य का नुकसान, अपने रूटीन का नुकसान, और साथ में दूसरों का भी रहना दूभर रहना मुश्किल। और वह बुराई है अल्कोहल का इंटेक, दारू पीना, मदिरा का सेवन करना। यह ऐसी बुराई है साथियों जो आपके लीवर को कभी ना कभी अगर आप ज़्यादा पीते हैं तो सिरोसिस तक पहुंचा देती है। होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं अल्कोहल को इंटेक को ख़त्म करने की, यह जो दारू पीने की स्थिति है इसको ख़त्म करने की। यह साथियों ऐसी बुराई है जो शुरू में, जहाँ तक हम देखते और समाज में वॉच करते हैं, कि पहले आपके जो इष्ट मित्र होते हैं, आपके साथी होते हैं, वह इसको आपके साथ जोड़ते हैं। हालांकि जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आप गलत काम कर रहे हैं, उसमें किसी की क्या गलती। तो आपसे कोई कहे कुएं में कूद जाओ, आप कुएं में कूद जाओ, तो इसमें कहने वाले की बहुत गलती नहीं है। आप कुएं में कूद गए तो आपकी गलती उस कहने वाले की गलती से ज़्यादा है। तो पहले आपको इसकी लत लगती है, उसके बाद आपको पहले दारू फ्री में मिलती है, और जब वक्त बीतता है तो यही दारू आपको फिर पैसे देके ख़रीदनी पड़ती है। दोनों ही परिस्थितियों में आपके लीवर को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, लीवर सिरोसिस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अल्कोहल का जो डाइजेशन होता है वो सीधे लीवर में होता है। इसलिए अल्कोहल सीधे लीवर में जाता है और आपको लीवर को नुकसान पहुँचाता है। तो हम आपको बताएँगे आपको अल्कोहल को आपसे दूर करने की, आपको आराम देने की, और इस बुराई से अपने को प्लस समाज को बचाने की अपनी आदतों के कारण 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। ये साथियों बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, यह दवाएं आपके जानकारी मात्र के लिए हैं। इन दवाओं पर ध्यान जरूर दें, इनका अध्ययन भी करें, लेकिन किसी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के यह दवा लें, और जल्दी से जल्दी अपनी उस सामाजिक बुराई को छोड़ दें जो इस महंगाई के दौर में आपको उसी समाज में, जिससे आपको यह दे रहा है, जो आपको लत लगाया है, उसी समाज में यह आपको समाज से पीछे कर रहा है। अल्कोहल लेने की जो लत है, ये लत आपको समाज से पीछे कर रही है। आपको लगता होगा आजकल एक ट्रेंड है, वन फॉर मी वन फॉर माई फैमिली, एक पैग अपने लिए एक पैग परिवार के लिए, और एक सोशल कल्चर हो गया है। लेकिन यह सोशल कल्चर अच्छा नहीं है, यह समाज को ह्रास की तरफ लिए जा रहा है। और आप अपने अगल बगल होते देख रहे होंगे ये चीज़। कभी होता होगा कि आपका बड़ा अच्छा साथी रहा होगा, आपने सुना होगा यार दारू ज़्यादा पीने लगा तो चल बसा, तो उस स्थिति में आप ना आए, क्योंकि आपका एक परिवार भी है। यह वीडियो उसी बात को डेडिकेटेड है, पेश करते हैं आपके सामने होम्योपैथी में अल्कोहल की लत को छुड़ाने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, अल्कोहल को छुड़ाने की बहुत कारगर होम्योपैथिक दवा उस स्थिति की है कि जब आपने अभी अभी अल्कोहल पीना शुरू करा हो। मान लीजिए आपने अल्कोहल पीना शुरू करा है, दारू पीना शुरू करा है, अगर हम उसको थोड़ी डेरोग्रेटरी भाषा में बोले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस भाषा का इस्तेमाल करा जाए, आपको सुनने में भी बुरा लगे और पीने में भी बुरा लगे। तो अगर आपको दारू पीने की स्थिति आपने अभी अभी शुरू करी है, महीने भर के अंदर का समय बीता है दारू पीते हुए, तो उस ही स्थिति में अपनी आदत को छोड़ देने की बहुत कारगर दवा है नक्सफोमिका। आप नक्सफोमिका 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका अल्कोहल लेने की आदत ख़त्म हो गई और आपको उसकी क्रेविंग ख़त्म हो गई, और आप इनिशियल स्टेज में ही इस बुराई से निकल के आपने अपना पैसा भी बचा लिया, अपने स्वास्थ्य को भी बचा लिया, और अपने आसपास के लोगों को देने वाली दिक्कतों को, जो कि आप देते आगे चल के, उनसे उनको भी बचा लिया और अपने को भी बचा लिया। नक्सफोमिका आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस उस स्थिति में है जब आपने अभी शुरुआत करी हो, इंसिपिएंट स्टेज पे आपका दारू पीना शुरू हुआ हो, तो आप यह दवा ले सकते हैं। यह दवा साथियों उनके लिए भी है, जैसे बहुत सी माताएं बहनें आती हैं, वो कहती हैं कि उनको ना पता लगे, हमारे हस्बैंड हमारे फादर को ना पता लगे कि उनकी दवा चल रही है यह दारू छुड़ाने की, और उनकी दारू भी छूट जाए। तो आप ये दवाओं की 2 बूंद पानी में डाल के किसी को पिला सकती हैं। आप
उसको बिना बताए कर सकती हैं, कॉन्फिडेंसली कर सकती हैं, और ये मानिए कि आप उसके साथ गलत नहीं कर रही हैं, उसकी अच्छाई के लिए कर रही हैं, तो कोई बुराई नहीं। जो भी आपके घर में दारू पी रहा हो उसके पानी में नक्श मिका डाल के उसको पिलाना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे कि उसका दारू पीने की जो आदत है वह ख़त्म हो गई। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपका शरीर बिल्कुल बेदम हो गया, इतनी दारू जीवन में पी डाली कि अब शरीर में जान नहीं बची, ना विल पावर बचा, ना मेंटल स्ट्रेंथ बची, ना फिजिकल स्ट्रेंथ बची। अगर वह स्थिति है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है पेट्रोलियम। आप पेट्रोलियम 1 EM की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली उस स्थिति में ले सकते हैं कि जब आपका शरीर बिल्कुल टूट गया है मेंटली भी फिजिकली भी, तो पेट्रोलियम आपकी मदद करेगी। यह आपके अल्कोहल की क्रेविंग को भी ख़त्म करेगी और आपके शरीर को पुनः उस वक्त जैसा लाएगी जब आपने अपने जीवन की शुरुआत की थी। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि अल्कोहल की तलब बहुत ज़्यादा है, उसके बिना रह ही नहीं सकते। तो अगर ऐसी स्थिति आपके है कि आप अल्कोहल का इंटेक करे बिना नहीं रह सकते, दारू पिए बिना नहीं रह सकते, तो उस भयावह स्थिति की को ठीक करने की भी होम्योपैथी में दवा है, और दवा का नाम है एसेरम यूपोरबियम। एसेरम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप लेकर आप उस क्या कहते हैं उसको आप उस लत को, उस डिज़ायर को, उस क्रेविंग को, उस चाहत को दारू पीने की ख़त्म कर सकते हैं। यह दवा का सेवन करने से आपको आराम मिलेगा और आपका अल्कोहल इंटेक का दारू पीने की इच्छा ही नहीं बचेगी। फिर साथियों जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्थिति आती है दारू पीने पे, वह होती है लीवर की ख़राबी। तो अगर अल्कोहल इंटेक करने पे आपका लीवर ख़राब हो रहा है, तो लीवर को ठीक करने की और जो इसकी क्रेविंग है अल्कोहल की, इसको छोड़ने की बहुत कारगर दवा है सल्फ़र। आप सल्फ़र 1 EM की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले लें, आप देखेंगे कि आपका अल्कोहल की आदत भी छूट गई और आपका लीवर का जो डेटोरिएशन हुआ है, लीवर जो ख़राब हुआ है दारू पीने के कारण, अल्कोहल इंटेक के कारण, वह भी ठीक होने लगा। एक स्थिति आती है साथियों, आपने इतनी दारू पी कि आपका बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गई। तो अगर यह स्थिति है कि आपके बॉडी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हुआ जा रहा है दारू पीने से, अल्कोहल के इंटेक से, तो उस स्थिति को ठीक करने यानी अपने बॉडी के बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल को ख़त्म करने के लिए बहुत कारगर दवा है कैनबिस इंडिका। आप कैनबिस इंडिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आप अल्कोहल इंटेक अपना बहुत कर रहे हैं, उससे आपका बॉडी टॉक्सिफाई हो गया और आप डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, तो आप कैनबिस इंडिका ले लें और आगे से अल्कोहल का इंटेक ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हर पल हर पैग आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, यह आप जान लें। फिर एक स्थिति आती है साथियों की दारू पी और दारू पीने के बहुत देर तक उकाई आती रही। दारू की आदत है, दारू तो पीना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बात की उकाई आती रही, तो इस उकाई को ख़त्म करने के लिए, इस बुरी आदत को ख़त्म करने के लिए, अगर आप में यह नौजिया का सिम्टम है तो बहुत अच्छी दवा है, और दवा का नाम है एंटिम क्रूड। आप एंटिम क्रूडम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका अल्कोहल इंटेक के कारण होने वाला नौजिया ख़त्म हो जाएगा। एक स्थिति आती है साथियों कि आपका दारू पीने की स्थिति एक्सट्रीम कंडीशन में हो गई है, सुबह से रात मरीज दारू में पड़ा रहता है, नशे में पड़ा रहता है, नशे में डूबा रहता है। अगर यह स्थिति किसी में हो आपके परिवार में, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, या वो व्यक्ति जो ये वीडियो देख रहा है और इस स्थिति में, तो अपनी मदद खुद कर सकता है। उसको बहुत छोटा सा काम करना है, उसको नेट्रम म्यूरेटिकम दवा जो है उसका 1,00,000 पावर की 1 बूंद हफ्ते में 1 बार केवल ले लेनी है हर हफ्ते। अगर वह यह कर लेगा तो देखेगा कि जो उसका एक्सेसिव अल्कोहल के कारण शरीर बिल्कुल डूब गया है नशे में, वह ख़त्म हो जाएगा। उसमें एल्बुमिन प्रोटीन का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, RBC का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, उसके सारे शरीर की कमजोरी दूर होकर वह पूरी तरह स्वस्थ और ठीक हो जाएगा। एक स्थिति आती है साथियों, आप अल्कोहल इंटेक बहुत करते हैं और उसके बाद आप कि अब जो रेजिस्टेंस है उस पर चाहत है वह नहीं ख़त्म हो पा रही। तो अगर आप अल्कोहल की क्रेविंग को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसको
ख़त्म करने की बहुत कारगर दवा एवेना सटाइवा है। आप एवेना सटाइवा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपकी जो अल्कोहल की क्रेविंग है वह मेंटली आपकी ख़त्म हो गई और उसकी ख्वाहिश ख़त्म हो गई। और वह सबसे अच्छा तरीका है अल्कोहल को छोड़ने का आपकी इच्छा शक्ति के साथ। एक स्थिति आती है साथियों कि जब आप अल्कोहल छोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपके सर में दर्द होने लगता है। तो अगर आपके हेडेक हो रहा है, आप क्रॉनिक अल्कोहल पीने वाले हैं और आपके सर में दर्द बना रहता है और छोड़ते हैं तो यह सर में दर्द बढ़ जाता है, तो उस स्थिति से निपटने के लिए बहुत कारगर दवा है कॉफिया क्रूडा। आप कॉफिया 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं कि जब आपके अल्कोहल छोड़ने पर सर में दर्द बना रहता हो या अल्कोहल लेने पर भी सर में दर्द बना होता हो, तो कॉफिया आपका ड्रग ऑफ द चॉइस है। इसको लेके आप हेडेक को ख़त्म कर सकते हैं और अल्कोहल की बुरी आदत को अपने से दूर कर सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि पूरा परिवार है दारू पीता है, मतलब एक फैमिली हिस्ट्री है, बाबा भी पीते थे, पर बाबा भी पीते थे, अब जो है पिताजी भी पीते थे और लड़का भी पी रहा है। तो अगर वह स्थिति हो कि यह मतलब ऊपर से चला आ रहा है अपने फैमिली ट्री में और नीचे तक अल्कोहल पीने का एक फैशन ट्रेंड घर में है और अब आप उसको छोड़ना चाहते हैं जो कि समय की मांग भी है, तो उस स्थिति को भी ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है और दवा का नाम है एसिड सल्फ्यूरिकम। एसिडम सल्फ्यूरिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले लें उस स्थिति में जब अल्कोहल पीने की आपकी फैमिली हिस्ट्री हो, पारिवारिक रूप से ऊपर से नीचे तक अल्कोहल पीना चला आ रहा हो, तो यह दवा एसिडम सल्फ्यूरिकम यह आपके अल्कोहल की क्रेविंग को ख़त्म करके आपको ठीक कर देगी, बॉडी में हुए नुकसान की भी भरपाई करेगी और आगे आपको इसकी आदत या इच्छा को भी ख़त्म करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, आप अल्कोहल बहुत लेते हैं, दारू पीते हैं, उसका इंटेक करते हैं और उसके बाद आपकी नींद उड़ गई है। तो अगर आप अल्कोहल पीते हैं और आप अल्कोहल छोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपकी नींद उड़ जाती है, आपको नींद नहीं आती है। तो अगर यह इंसोम्निया की स्थिति आप में है तो होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है उस स्थिति को ख़त्म करने की, और वह है एवेना सटाइवा। आप एवेना सटाइवा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस व्यक्ति को दे सकते हैं जिसको कि दारू छोड़ने पर अल्कोहल के इंटेक के बाद नींद ना आ रही हो और वह रात भर परेशान बेचैनी में रहता हो, तो एवेना सटाइवा उसके लिए ड्रग ऑफ द चॉइस है। यह दवा का इस्तेमाल करके आप उसकी नींद को ला सकते हैं, उसके अल्कोहल इंटेक को छुड़ा सकते हैं और उसके जीवन को बचा सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों कि दारू पीनी ही पीनी है, मतलब इतना दृढ़ है व्यक्ति दारू पीने के लिए कि पीनी ही पीनी है। अगर उस स्तर की आप में क्रेविंग है और आप अल्कोहल का इंटेक बंद करना चाहते हैं, विस्की का इंटेक बंद करना चाहते हैं, तो होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है आपकी मदद करने की और दवा का नाम है क्वर्कस रिवर। आप क्वर्कस रिवर का मदर टिंचर 20-20 बूंद दिन में 4 बार पी लें, आप देखेंगे कि आपकी जो यह इंटेंस क्रेविंग है दारू पीने के लिए यह ख़त्म हो गई और आप बिल्कुल ठीक हो गए। एक स्थिति आती है साथियों जब आप दारू पीने की अल्कोहल इंटेक का कम करने की या ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो वह है एंजाइटी। तो अगर आप अल्कोहल इंटेक ख़त्म करते हैं और आपको एंजाइटी होने लगी है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, यानी एंजाइटी को ख़त्म करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है आर्सेनिक एल्बम। आप आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपकी बेचैनी एंजाइटी ख़त्म हो गई, आपका अल्कोहल की लत भी छूट गई और आपके बॉडी में जो टॉक्सिसिटी अल्कोहल इंटेक के कारण हुई है वह भी ख़त्म हो गई। एक स्थिति आती है साथियों अल्कोहल क्विटिंग की स्थिति में कि मरीज़ कई बार छोड़ने का प्रयास करता है लेकिन हर बार दोबारा शुरू कर देता है। अगर यह रिपीटेड एपिसोड हो रहे हैं कि वह छोड़ने की कोशिश करता है और दोबारा उसको यह इंटेक होने लगता है, तो इस स्थिति से निपटने के लिए परमानेंट अल्कोहल की क्विटिंग के लिए बहुत कारगर दवा होम्योपैथी में है रैनकुलस बल्बोसस। रैनकुलस बल्बोसस 30 पावर में 2-2 बूंद आप उस स्थिति में उस ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिसने बार बार अल्कोहल छोड़ने का प्रयास करा हो लेकिन छोड़ ना पा रहा हो, 10 दिन बंद रखता है, 15 दिन बंद रखता है, फिर इंटेक शुरू कर देता है, तो रैनकुलस बल्बोसस उसके लिए ड्रग ऑफ द चॉइस है। यह दवा पूर्णतया उसको ठीक करके अल्कोहल की क्रेविंग को ख़त्म कर देगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों अल्कोहल पीने में दारू पीने में कि जो अल्कोहल पीने वाले लोग हैं वो जब अल्कोहल
छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो अगर आपके ट्रेमर्स आ रहे हो, शेकिंग ऑफ हैंड्स या लेग्स हो रहा हो अल्कोहल को क्विट करने की स्थिति में, तो उस शेकिंग या ट्रेमर को रोकने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है हायोसाइमस नाइगर। आप हायोसाइमस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। उस स्थिति में जब आपने बहुत दारू पी हो या पी रहे हों और आपके हाथ कांपने लगे हों और आप दारू छोड़ ना पा रहे हों, तो अगर उस सिम्टम मैच कर गया तो आपका हायोसाइमस जो है आपकी दारू भी छुड़ा देगी, आपके हैंड्स की शेकिंग ट्रेमलिंग भी बंद कर देगी और आपको स्टेबल कर देगी। हायोसाइमस के पेशेंट में लैसिवस मीनिया भी होता है, उसको कपड़े ना पहनने की इच्छा रहती है। फिर एक स्थिति आती है साथियों, जब लोग मल्टीपल नशा करते हैं, दारू भी पी रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, अफीम चरस गांजा भी ले रहे हैं, इस तरह की एक विस्फोटक स्थिति होती है। अगर यह स्थिति है जो आप कई सारे नशे आपके घर में कोई कर रहा है, तो उस स्थिति से उसको निकालने की बहुत कारगर दवा है ओपियम। आप ओपियम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं जो पुराना दारू पीने वाला हो, क्रॉनिक दारू पीने वाला हो, क्रॉनिक अल्कोहल इंटेक वाला हो, विस्की पीने वाला हो। ओपियम उसकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। यह जो मल्टीपल नशे कर रहे हैं, कई तरह के नशे व्यक्ति एक साथ कर रहा है, सबको छुड़ाने में मदद करेगी। ओपियम का एक सिम्टम ये भी साथियों कि ओपियम के मरीज को गले में चोकनेस महसूस होती है, गले में कॉन्स्ट्रिक्शन महसूस होता है। एक स्थिति आती है साथियों, जब अल्कोहल का जो मरीज होता है वह डिप्रेशन में चला जाता है। अगर वह स्थिति आ रही है कि कोई पेशेंट है अल्कोहल इंटेक ज़्यादा करता हुआ डिप्रेशन में जा रहा है, तो उसको डिप्रेशन से निकालने और अल्कोहल की क्रेविंग को ख़त्म करने की, अल्कोहल की आदत को ख़त्म करने की बहुत कारगर दवा है सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा। आप सिमिसिफ्यूगा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस मरीज को दे सकते हैं। उसको इस दवा से बहुत फ़ायदा होगा और उसकी तम्बाकू उसकी अल्कोहल लेने की आदत छूट जाएगी। ये साथियों कुछ दवाएं थीं अल्कोहल की बुरी लत को छुड़ाने की। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, विनम्र विनती करता हूँ कि अगर आप दारू पीते हैं तो आप इसको पीना छोड़ दें, या आपको आपके परिवार दोनों को ख़त्म करने में बहुत सहायक होगी। हमने बहुत मौतें दारू पीने पीते लोगों की अपनी मेडिकल करियर में देखी हैं, तो आप कृपया यह ना करें तो बेहतर है। ये कुछ दवाएं थी आपके लिए अल्कोहल को छोड़ने के संबंध में। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं, आपको उचित जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। या फिर हमारे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर 94-1576-380 पर। उस परिवार जो कि दारू पी रहा है कोई व्यक्ति, उसमें खासतौर से मुखिया जो मेल होता है वो, हम आपकी संवेदना में आपके साथ हैं और यह दवाएं उसी श्रृंखला में मदद के लिए थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन दबाकर सबसे पहले सबसे नया वीडियो पाते रहिएगा। आपका हमारा इतनी देर साथ देने, जुड़ने और वीडियो को शेयर करने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।